यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता उत्तराखंड भारत में पहला ऐसा राज्य है जो इसे लागू करने जा रहा है। अब उत्तराखंड के सभी सिटीजन के ऊपर शादी, तलाक, अडॉप्शन, मेंटेनेंस को लेकर समान कानून लागू होगा, चाहे उसका कोई भी धर्म, जाति, लिंग हो। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने भी इसको भारत का हिस्टोरिक मूवमेंट कहा है, क्योंकि अभी तक लाखों रिकमेंडेशन के बाद भी UCG कहीं और लागू नहीं है। हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में भी बोला है कि स्टेट का फर्ज है कि वो सभी नागरिकों को एक समान भाव से देखे। 2022 के उत्तराखंड के इलेक्शन में BJP ने UCC का प्रॉमिस किया था, जो 2024 में पूरा होने जा रहा है। 2022 में इलेक्शन जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक 5 मेंबरी कमेटी बनाई गई थी, जिसको UCC का ड्राफ्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। इस साल 2 फरवरी को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पुष्कर सिंह धामी के आगे सौंप दी। 4 फरवरी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भी अप्रूवल दे दिया और 7 फरवरी को स्टेट असेंबली में UCC बिल पास कर दिया गया। उत्तराखंड की कुछ शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़कर UCC सब पर लागू होगा। UCC के अंदर जो भी टॉपिक्स है, जैसे शादी, तलाक, अडॉप्शन, संविधान की कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, जिस पर स्टेट और सेंटर दोनों सरकारें कानून बना सकती है। इसी के चलते इस कानून को अप्रूवल के लिए राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी 12 मार्च को अपना अप्रूवल दे दिया, जिसके बाद उत्तराखंड की सरकार ने रूल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया, जिसने कुछ दिन पहले अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की। और अब उत्तराखंड में नवंबर मंथ से UCC लागू होने जा रहा है। जनता को सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अब इसके तहत ऑनलाइन रजिस्टर भी अवेलेबल होगी, जैसे मैरिज होगी, डाइवोर्स हो गया, लिव इन रिलेशनशिप के लिए सृजन को रजिस्टर करने के लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी, ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल होंगे। इस कानून के तहत अब चाइल्ड मैरिज बैन होगी, लिव इन रिलेशन में रहने वालों को भी पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा। लड़का हो चाहे लड़की, सबको बराबर प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं के लिए होगा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों के लिए होगा। आपका क्या मानना है? क्या पूरे भारत में UCC लागू होना चाहिए?